टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अभी देखो जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने बात की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीजेस कॉज करते हैं। ह्यूमन बींग के साथ साथ वो प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिजीजेस कॉज करते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर अभी तक आप पढ़ चुके हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रखते हैं लेकिन वो कुछ अच्छे काम भी करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इन इंडस्ट्री, उनके एप्लीकेशन इन सीवेज ट्रीटमेंट, एंड देन यू हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। लेकिन अभी जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ द माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो अब देखो बायो कंट्रोल एजेंट्स में अब हम क्या बात करेंगे कि बेसिकली यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट। तो अभी तक क्या हो रहा है कि हम जो कहते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, वीडिसाइड्स हैं, दे आर बीइंग यूज्ड विच आर लीडिंग टू द पॉल्यूशन ऑफ द सॉइल एंड वाटर एंड ऑब्वियसली एनवायरमेंट ऑल्सो। तो अब इन सब को हटा कर इनकी जगह पे अगर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की जगह पर या वीडिसाइड्स की जगह पे अगर बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाए तो वो एक तरह का नेचुरल प्रेडेशन होगा। और वो इस चीज़ का भी ध्यान किया कि पूरी तरह से इंसेक्ट्स को ना ख़त्म कर दिया जाए बल्कि जितने हार्मफुल लेवल में है उसको करके थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखना भी उनको ज़रूरी है मैनेजेबल लेवल्स में, ताकि जो भी लिविंग इकोसिस्टम का बैलेंस है वो किसी भी तरह से हार्म ना हो। केमिकल्स जो हैं वो दोनों यूज़फुल और हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स को इनडिस्क्रिमिनेटली किल कर देते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये होलिस्टिक अप्रोच है। और इसके अंदर हमने क्या करना है कि अंडरस्टैंड करना है वेब ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन द माइराइड ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट इन द फीड फ्लोरास एंड फौना, कि कौन से ऑर्गेनिजम्स यूजफुल हैं, कौन से हार्मफुल हैं, और फिर वो कितने लेवल तक उनको किल किया जाना चाहिए या कितने लेवल तक उनको बचाया जाना चाहिए। तो इसके जो पेस्ट हैं अगर हम उनको किल कर देते हैं, पूरी तरह से इरेडिकेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो जो फूड चेन का हिस्सा है वहाँ पर वो जिन ऑर्गेनिजम्स को आगे किल कर रहे हैं ऑब्वियसली इनके किल होने से वो ऑर्गेनिज्म जो कोई खाते हैं उनका नंबर जो है क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी विच विल डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। सेम वे इन पेस्ट को, इन इंसेक्ट्स को जो ऑर्गेनिजम्स खा रहे थे उनका खाना ख़त्म हो जाएगा तो दे विल ऑल्सो गेट किल्ड और दे विल स्टार्व टू डेथ। तो उससे उनका भी जो है आप कह सकते हो ये दोनों ही तरह से बायोलॉजिकल जो फूड वेब है या फूड चेन है दैट इज़ गोइंग टू गेट डिस्टर्ब। तो ये ध्यान रखते हुए कि भाई ये चीज़ ना हो हमें बायो कंट्रोल मेजर्स को यूज़ करना है जिसकी वजह से जो हमारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो सारी चीज़ों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं उनका कंट्रोल हो सके। तो जो बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच है इसके अंदर पता होना चाहिए देयर शुड बी अ फैमिलियरिटी विद द वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट इनहेबिट द फील्ड, प्रीडेटर्स एज वेल एज द पेस्ट एंड अनदर लाइफ साइकिल्स एंड पैटर्न्स ऑफ फीडिंग एंड द हैबिटेट दैट दे प्रेफर। तो ये सब की नॉलेज होगी तभी एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल जो हैं वो डेवलप हो पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर इफ़ आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखो अभी क्या है कि ये जो थर्ड आप देख सकते हो दिस इज़ अ लेडी बर्ग, जो बीटल जो होती है रेड और ब्लैक स्पॉट्स वाली, ये किसको ख़त्म करने में हेल्प करती है, एफिड्स को। और वही ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो मॉस्किटोज को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो हर जो बायो कंट्रोल के अंदर जो भी एजेंट इस्तेमाल हो रहा है उसका एक अलग अलग स्पेसिफिक रोल होगा, वो किस चीज़ को ख़त्म करता है तो उसको नेचुरल ढंग से ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू बैसिलस थुरिंजियंसिस। तो ये कंट्रोल करता है बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को। अब इट इज़ अवेलेबल इन सैशेज आज ड्राइड स्पोर्स विच आर मिक्स्ड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन टू वल्नरेबल प्लांट्स। कौन से प्लांट्स की बात हो रही है, ब्रेसिका एंड फ्रूट ट्रीज एट्सेट्रा।
उनके ऊपर इसका स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे कि जैसे ही उनको कोई इंसेक्ट लार्वा खाएगा उसकी गट के अंदर, उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अंदर जाकर टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं और जो लार्वा है दैट गेट्स किल्ड। तो इस ढंग से इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अभी क्या हो रहा है, आपको पता है कि बहुत सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ कम इनटू रोल, और जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या होता है कि अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, जीन्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे हम प्लांट्स की बात करेंगे। तो कुछ प्लांट्स के अंदर ये जो बी जीन्स हैं, टॉक्सिन जीन्स हैं बी थुरिंजेंसिस के, इनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ताकि वो वहाँ जाएँ और प्लांट को रेजिस्टेंट बना देते हैं टूवर्ड्स द इंसेक्ट पेस्ट, जो भी उनको अटैक करते हैं उनके लिए रेजिस्टेंट बना देते हैं। अब इसका एक जो एग्जांपल है दैट इज बीटी कॉटन, विच इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द फंगस ट्राइकोडर्मा। तो यहाँ पे ये भी प्लांट डिजीजेस को ट्रीट करने के अंदर काम आता है। इट इज़ सीन इन द रूट इकोसिस्टम्स एंड दे कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजेंस। These are the free living fungi that are very common in root system and are effective biocontrol agents. Next, I will talk about baculoviruses. अब ये क्या है baculoviruses? इसके अंदर जो genus है nucleopolyhedrovirus, ये specifically काम करता है and this will attack the insects and other arthropods. It is suitable for species specific नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस। तो जहाँ पे भी स्पेशल स्पेसिफिक रोल चाहिए कि सारे ही जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं या कोई प्लांट्स हैं या कोई बर्ड्स हैं फिश है, तो उन सारों को नहीं ख़त्म करना, जो नॉन टारगेट इंसेक्ट्स हैं उनको नहीं ख़त्म करना, सिर्फ एक जो इंसेक्ट वहाँ पे हार्म कर रहा है उसी को अटैक करना है, जो आर्थ्रोपॉड वहाँ पे नुकसान पहुंचा रहा है उसी को अटैक करना है। तो इस वजह से जो इनका नैरो स्पेक्ट्रम जो एप्लीकेशन है इसकी वजह से ये यूज़ किए जाते हैं एंड दिस इज़ डिज़ायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड इन आईपीएम दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। तो जहाँ पे दूसरे स्पीशीज भी होंगे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी होंगे और उनको हार्म नहीं पहुँचाना है, राइट। सो दिस वॉज अबाउट द बायो कंट्रोल एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट आई मूव ऑन टू माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। अब आप देखो कि अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जब हम बायो कंट्रोल एजेंट्स की बात कर रहे थे, कि जो पॉल्यूशन है वो केमिकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ किया था। और अब हम कह रहे हैं कि ये केमिकल्स जो हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत बढ़ना की ज़रूरत है, फूड ज़्यादा चाहिए, तो इस वजह से केमिकल्स यूज़ करने शुरू कर दिए गए थे बहुत ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, जो कि ताकि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो सकें। लेकिन उनका जो है एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, ये जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के डिटरमिनेंट्स बन गए, इसको कॉज करने के बहुत बड़े फैक्टर बन गए। तो इनकी जगह पे अगर बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, तो इन दैट केस जो इस प्रॉब्लम को, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉयल, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया एटसेट्रा, दे कैन बी ऑल यूज्ड। एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, जो कि एक बाउंड बैक्टीरिया है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। देन अलोंग विद दिस देर आर सम फ्री लिविंग बैक्टीरिया लाइक एजोस्पिरिलियम एंड एजोटोबैक्टर विच ऑल्सो एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द फंगस रोल इन द एज बायो फर्टिलाइजर। The symbiotic association of some fungi, especially glomus, with the plants will help acting as biofertilizer. The fungal symbiont in this absorbs the phosphorus from the soil and passes it to the plant.
फॉस्फोरस दे रहा है, देन इट गिव्स रेजिस्टेंस टू द रूट बोन पैथोजेंस एंड टॉलरेंस टू द सैलिनिटी एंड ड्रॉट। तो जहाँ भी सॉइल के अंदर ज़्यादा नमक की कंडीशन, सैलिनिटी की कंडीशन है, या जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम रखी है, सूखा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी ये हेल्प करता है प्लांट्स को, हेल्प इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसके बदले में, क्योंकि हमने कहा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है माइकोराइजा, तो इसके बदले में इसको फंगस को उसका इतने सारे हेल्प करने के लिए प्लांट की, उसको अपना फूड मिल जाता है प्लांट से। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। इट्स अ ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब, दैट मीन्स इट कैन मेक इट्स ओन फूड, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर है, दैट मीन्स इट हैज़ क्लोरोफिल इन इट, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन फिक्सिंग द एटमोसफेरिक नाइट्रोजन। सो एग्जाम्पल्स आर एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलिटेरिया। अब पेडीफील्ड्स के अंदर जो साइनोबैक्टीरिया है, ये फर्टिलाइजर का काम करता है, इट एड्स ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। तो ये जो सारे हमने बात की बायो फर्टिलाइजर्स की, ये अब कमर्शियली भी अवेलेबल हैं इन मार्केट्स, और जो फर्टिलाइजर जो फार्मर्स हैं, दे आर यूजिंग देम ऑन द रेगुलर बेसिस टू रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स।